बी के बीच हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो ए बी साइन थीटा होता है, और बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट खुद एक वेक्टर है, तो इसका जब आपको डायरेक्शन निकालना होगा ना, डायरेक्शन, तो आप डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अपने फिंगर्स, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को, ये जो हम लोग आपके थंब छोड़ दिए, थंब बोल जाइए छोड़ दीजिए, आपके राइट हैंड का जो फिंगर है एक्सेप्ट थंब, उसको आपको ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ घुमाना पड़ता है, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ घुमाना पड़ता है, तो जो थंब का डायरेक्शन आता है वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है, ओके ठीक है। तो यहां देखो, जरा देख के कोशिश करो, मान लो जैसे हम लोग के पास ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ओके, तो जब आप ए से बी फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब बाहर आएगा। तो अगर कोई तुमसे यहां पूछ दे कि क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है तो आप बोलिएगा आउटवर्ड। अब देखो, एक प्लेन मानो और इस प्लेन में मेरा वेक्टर ए है और इसी प्लेन में मेरा वेक्टर बी है, तो बताओ तो ए क्रॉस बी किधर है, प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे? प्लेन के ऊपर। जब आप ए से बी की तरफ, प्लेन से ए से बी की तरफ आते हैं तो ये हम ऊपर आता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। संजय जी, जिनका क्लास छूटा था, समझ में आया इतना बात? अरे बोल दे भाई, तेरे लिए इतना हल्ला कर रहे, कम से कम यस बोल दे, नो बोल दे। थैंक यू। तो देख, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल, ओके। अब चलो आज हम लोग इसी पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे एक एन कैप लगता है। एन कैप इसलिए लगता है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जिस प्लेन में ए और बी होता है उसके नॉर्मल होता है, नॉर्मल। ए क्रॉस बी हमेशा उस प्लेन के नॉर्मल होगा जिस प्लेन में ए और बी है। सर, इस लाइन का मतलब, अगर बोर्ड के प्लेन में ए और बी है तो क्रॉस प्रोडक्ट इसके बाहर या अंदर होगा? बाहर होगा। अब हम वही बोल रहे हैं कि जिस प्लेन में ए और बी है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब उस प्लेन से बाहर या अंदर होता है, ठीक है। इसलिए नॉर्मल को दिखाने के लिए एन कैप भी लगा रहता है। चलिए, यहां तक हम लोग लास्ट ईयर पढ़े थे, आज रफ करते, आज आगे निकलते इससे। क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन आई कैप, जे कैप एंड के कैप। देखो, अगर हम ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ये होता है ए बी साइन थीटा और साथ में एन कैप, ठीक है। ये मॉड में ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ए बी साइन थीटा और साथ में एन कैप। अब देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स की तरफ अपना आई कैप, वाई की तरफ अपना जे कैप और जेड की तरफ अपना के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। अच्छा, अगर हम दो आई कैप ले और उनके बीच क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, अगर हम आई कैप और आई कैप के बीच क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो आई कितना आएगा? वेरी गुड, जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा भाई? वेरी गुड, दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री है, साइन जीरो जीरो, जे भी जीरो होगा और के का भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, सही है। लेकिन अब सुनो, अगर हम आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ ले तो देखो, आई कैप का मैग्नीट्यूड वन, क्या हम लोग कर चुके थे क्या ये? नो सर, नहीं किए थे।
ए बी साइन 90 और फिर यहाँ एन कैप है। अब आई क्रॉस जे आप कीजिएगा तो एन कैप होगा। एन कैप को राइट हैंड रूल से देखो, आई से हम जे की तरफ जाएंगे तो थंब बाहर आ रहा है, बाहर आने का मतलब के कैप। तो आई क्रॉस जे का वैल्यू आप लिखेंगे के कैप। अब हम एक छोटा सा ट्रिक आपको बताते हैं, आप तुरंत तुरंत लिखिएगा। देखिए एक सर्कल बना लो और तीन एरो दे दे सेम डायरेक्शन में, एक आई कैप है, एक जे कैप है और के कैप है, समझते चलो। अगर आई क्रॉस जे निकालते हैं तो के कैप होता है, ठीक है? तो देख के बताना जे क्रॉस के क्या होगा, आई कैप, और के क्रॉस आई क्या होगा, जे कैप। और आगे सुनो, रिवर्स करो, रिवर्स अगर साइकिल में उल्टा घूमेगा तो एक माइनस लगा देना। सो सी दैट जे क्रॉस आई किसके बराबर, माइनस के कैप। के क्रॉस जे किसके बराबर, माइनस आई। और आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के किसके बराबर, माइनस जे कैप। क्या ये याद रहेगा सबको? तो चलिए भाई, आई कैप जे कैप के कैप के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट का बात खत्म। अब सुनिए अगला, कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इफ वेक्टर्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। अगर वेक्टर्स आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया है तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी जब ए वेक्टर फॉर्म में ऐसे दिया है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप के साथ। तो हम इसमें छोटा सा ट्रिक तुम्हारे सामने रख देते हैं, एक बार में आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे ही आपको ए क्रॉस बी निकालना रहे ना, आप तुरंत डिटरमिनेंट का ऐसा एक टेबल बनाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप। ए क्रॉस बी में ऊपर आप ए के तीन कंपोनेंट, आई के नीचे एक्स, जे के नीचे वाई, के नीचे जेड, फिर आई के नीचे एक्स और जे के नीचे वाई। उसके बाद आप इसी तरह बी का कंपोनेंट लिख देंगे, बी एक्स बी वाई बी जेड और फिर बी एक्स और बी वाई। अब जरा बात करो, देखना ध्यान से, हाँ, अगर आप आई कैप लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आई कैप लिखने में इसको आप छोड़ दीजिएगे और अगला ए वाई से बी जेड को मल्टीप्लाई करो माइनस बी वाई ए जेड। ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, क्या समझे? अगला देखो, हाँ बता रहे, अगला देखो, अगर आप जे कैप लिखेंगे इसके साथ अगला, फिर आप लिखेंगे यहां पे प्लस जे कैप, फिर देखिए अब आप ए जेड में बी एक्स से मल्टीप्लाई करो और बी जेड में एक्स माइनस करो, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। क्या समझे जिनको डाउट हुआ था? पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, फिर माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, समझा क्या? फिर देखो, अब के कैप लिखना है तो अगला ए एक्स बी जेड बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई प्लस के कैप,
एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब स्टूडेंट को ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना एकदम पहाड़ जैसा हार्ड लगता है, लेकिन हम तुमको दिखाते हैं ये कितना इजी है। जरा सी दैट, एक एग्जांपल मान लो हम तुमसे बोले कि ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। तुमको बोला गया a क्रॉस b निकालो, तो जैसे ही बोला गया a क्रॉस b निकालो, हम तो तैयार हैं इस मेथड के हिसाब से, i कैप j कैप k कैप i कैप j कैप। अब पहले a का कंपोनेंट्स लिखेंगे 2 3 4 2 3 4 2 3, फिर b लिखेंगे 1 2 5 1 2 5 1 और 2। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अब देख भाई ध्यान से देख, यहां आई कैप, बोलो बोलो मेरे लिखने के पहले कोई बोल सकता है क्या? क्या ये 15 माइनस 8 है क्या? Yes, क्या सबको सुनाई दे रहा 15 माइनस 8 सुनाई दे रहा सबको 15 माइनस 8? Yes, तो लिख दिया भाई 15 माइनस 8 एक बार में। प्लस जे कैप, क्या सबको सुनाई दे रहा है 4 माइनस 10? 4 माइनस 10, समझ में आया क्या? Yes, sir. 4 माइनस 10 प्लस के कैप, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है 4 माइनस 3? 4 माइनस 3, बस इतना ही बड़ा है ये। सो योर आंसर इज 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप। दिस इज योर आंसर, 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नोट करो फटाफट, ब्लर हो गया है, बाकी सबका भी ब्लर है कि ठीक है वीडियो? हर क्वेश्चन को बनाने का तरीका है। अब कोई तुमसे बोल दे 3i का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो 4j के साथ, अब हम थोड़ी ना इसमें चार्ट बनाएंगे i कैप j का, हम ऐसे करेंगे क्या? 3 और 4 12 और i क्रॉस j, समझे क्या? अब बताओ 12 और i क्रॉस j k होगा क्या? Yes, हो गया आंसर। अब कोई तुमसे बोल दे कि देखो जी 4i कैप को मल्टीप्लाई करो 3i कैप प्लस 6 j कैप के साथ, अब थोड़ी ना चार्ट बनाएगा। तुम देखेगा पहला देखो 4 इंटू 3 और अंदर में i कैप क्रॉस i कैप लिखेगा, प्लस 4 इंटू 6 और अंदर में i कैप इंटू j कैप लिखेगा। अब बता क्या पहला आंसर 0 होगा? Yes, और दूसरा आंसर में 24 इंटू k कैप लिखेंगे? Yes, बस हो गया आंसर। जब जैसा वैसे काम कर लेना है, क्या समझ रहे सबको? हाँ, छोटा छोटा चीज है, लिख लो फटाफट, तो कॉपी पे फटाफट कॉपी पे लिख लो कि कभी आएगा तो बड़ा बड़ा चार्ट मत बनाने लगना। वैसे हम चाहते हैं कि तुम लोग एक बार देख के एक बार आंसर बताओ। तो जरा मान लो जैसे हमारे पास ए वेक्टर है 4i कैप प्लस 6 j कैप माइनस 2 k कैप, आपको आंसर बताना ओके। और फिर मेरे पास एक बी वेक्टर है, वह है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, कोई हमको बताओ तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा? 26i कैप माइनस 18j कैप माइनस 2k कैप। बिल्कुल सही, 26 आई कैप माइनस 18 जे कैप माइनस 2 के कैप। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू वेक्टर्स देखिए जी ध्यान से समझिए याद रखिएगा कि ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है और उससे आप ये बनाए पैरेललोग्राम तो शायद आपको याद हो लास्ट से जब आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना स्टार्ट किए थे तो समय आपको लिखाया गया था कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग एल्स बट सिंपली इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद है आपको क्या हम लोग लास्ट ये पढ़े थे स्टार्टिंग क्रॉस प्रोडक्ट में यही लाइन था तो अगर कोई दो वेक्टर दे दे कोई और तुमसे बोले कि इससे जो मिलके पैरेललोग्राम बना है उसका एरिया निकालो तो बस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल देना क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अब इसी में देखिए अगर हम इसको बीच से ऐसे काट दे तो क्या ये ट्रायंगल बन जाए तो अगर हम लोग इस क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड का हाफ निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड का हाफ निकालेंगे देन इट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी देखो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन क्राफ्ट करते हैं आपके सामने तुम्हारे सामने क्वेश्चन ऐसा है इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर बी इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप Find area of parallelogram formed by these two vectors. अगर ये बोला गया तो अब होता क्या है जिस स्टूडेंट को ये लाइन याद है कि क्रॉस प्रोडक्ट में एक टॉपिक पढ़े हैं कि अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना होता है जिसको ये लाइन याद है उसके लिए क्वेश्चन खेले तो जैसे ही ये क्वेश्चन वो पढ़ा तुरंत उसके दिमाग में आया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना आई कैप जे कैप k cap, i cap, j cap, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, उसके बाद फिर हाँ 1, 2, 3, 1, 2 तो लिखे i cap 12 minus 2, 10 plus j cap 1 minus 9, minus 8 plus k cap 6 minus 4, 2 तो ये तो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है ना हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सो 164 और 4 कितना हो गया रूट अंडर 170 ये आंसर क्या आप सबको समझ में आया 168 अच्छा 168 होगा 168 ठीक है क्या आप सबको समझ में आया yes, sir. अच्छा इसी में अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछते तो इसका हाफ कर लेते बस हो जाता तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन अब देखो दूसरा कोई डाउट है क्या हाँ बोलो वो ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है कौन बोल दिया परपेंडिकुलर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो बेस इनटू हाइट होता है ना तो यहाँ पे हाइट तो नहीं
हाइट है ना, बी साइन थीटा हाइट है और ए बेस है, तो ए क्रॉस बी जब आप निकालते थे लास्ट याद है आपका ए बी साइन थीटा आया था, तो ए बी साइन थीटा का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड है ना, ए बी साइन थीटा तो आप लिखेंगे ना एरिया ऑफ पैरेलोग्राम, जब इसमें है ना बेस और हाइट, तो सही है ना, ए क्रॉस बी निकाल के अगर हम मॉड निकाल दें तो ये एरिया ऑफ पैरेलोग्राम के बराबर होगा। तो इसके लिए ए और बी का परपेंडिकुलर होना तो जरूरी नहीं है ना, ठीक है ना। चलो दूसरा सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन में बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट वी कैन शो दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अब देखो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, एक बात तो तय है कि उनके बीच का थीटा जीरो है, सही है। अब तुम ही सोचो कि ए क्रॉस बी का वैल्यू ही होता है ए बी साइन थीटा, तो साइन जीरो, क्या लिख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। जब आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे उसको जीरो से इक्वेट कीजिएगा, लेकिन हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। जब आप ए क्रॉस बी निकाल के उसको जीरो से इक्वेट करके पूरा सॉल्व करिएगा, जब आप ए क्रॉस बी निकाल के उसको जीरो से इक्वेट करके सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक ट्रिकी अप्रोच मिलेगा कि ए का एक्स कंपोनेंट और बी के एक्स कंपोनेंट का जो वैल्यू होगा वही ए वाई बाई बी वाई होगा और वही ए जेड बाई बी जेड होगा। तो बहुत बार स्टूडेंट पूरा क्रॉस प्रोडक्ट बनाने के बजाय इस रेशियो को यूज करके आंसर लिख देता है, क्योंकि ये रेशियो आएगा कब, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट के वैल्यू को जीरो से इक्वेट कीजिएगा तो अपने आप यही रिलेशन आता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हम बोले कि ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और मेरा बी वेक्टर है mi कैप प्लस nj कैप प्लस 6k कैप, और कोई तुमसे बोल दे फाइंड m एंड n, फाइंड m एंड n, फाइंड m एंड n सो दैट A and B becomes parallel। हम फिर से एक बात रिवाइज कर देना चाहते हैं। इन सारे पॉइंट से न्यूमेरिकल आप तभी बना पाइएगा जब आपको ये सारा पॉइंट न्यूमेरिकल बनाने के दौरान याद हो। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा, आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हाँ कहीं कुछ पढ़े। अब जिसको ये पॉइंट ही याद नहीं होता है उससे ये न्यूमेरिकल थोड़ी ना बनेगा, तो फाइनल एक कंफ्यूजन निकालने लगता है कि हमसे फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बनता। भाई फिजिक्स का क्वेश्चन तुम तभी बना पाएगा जब तुम उसका थ्योरी समझ के रखा है और याद भी है, समझना नहीं, अभी समझ लिया, अभी समझ लिया, सब समझ लिया, सब समझ लिया, लेकिन चार दिन में सब खा पका के बराबर। तो जब तुम क्वेश्चन पढ़ेगा तो तुम्हारे पिछले समझने से काम आएगा कि अभी याद है कि नहीं, उससे काम आएगा। हम तुमको एक लाइन बता दे, तुमको जो क्वेश्चन बनाना है बना जाओ, बस जो हम पढ़ना है खाली याद रखना। क्योंकि जब तुम हमसे पूछेगा तो हम तुमसे यही पूछेंगे, भाई उस दिन पढ़ा था, भाई उस दिन किया था, याद है अभी तुमको ये, क्योंकि इससे बात कुछ होता ही नहीं है। आपको जो बुक बनाना बनाइए ना यार, हम थोड़ी ना मना किए, आपको जो बनाना बनाइए, आपको जो डाउट है सब भेज दीजिए,
और हम आपको दिखाएंगे कि जो आपको हम पढ़ाए हैं उसी से बनता है, बस खाली याद रहना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, क्वेश्चन में हमको पढ़ते पढ़ते याद आ गया कि हाँ यहाँ दो वेक्टर पैरेलल से बात है, तो तुरंत मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि हाँ पैरेलल वाला बात तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में सीखे हैं। क्या सीखे हैं? तो ax by bx, ay by by, az by z को बराबर कर सकते हैं। सो फॉर आंसर मानते हैं हम लोग कि a और b पैरेलल है, तो इसका मतलब ax by bx, ay by by और az by bz, ये तीनों बराबर। अब इसमें 3 by m is equals to 4 by n is equals to 5 by 6, क्या बोलता है? m और n निकाल लेगा, यहां से जगह नहीं है मेरे पास। क्या m का वैल्यू 18 by 5 आएगा? Yes, sir. और क्या n का वैल्यू 24 by 5 आएगा? नोट करो बात है फटाफट। a वेक्टर ax i का है कि नहीं सर, करके दिखा दीजिए। तो हम आपको दो चीज एक साथ कर देते हैं। एक जैसे हमसे उस समय कोई स्टूडेंट बोला था ना कि सर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं क्या, हम तुमको दिखाते हैं, हम सब कुछ, अब तुमको डेरिवेशन हम दोनों चीज दिखाते हैं, जब लगे ही है तो अच्छे से काम कर देते हैं। अच्छा, एक क्रॉस भी करने का मतलब क्या है? इससे तीनों को मल्टीप्लाई करना प्लस इससे तीनों को मल्टीप्लाई करना प्लस इससे तीनों को मल्टीप्लाई करना, यही है ना जी? तो देखो एक्स बी एक्स अब लंबा होगा चौड़ा होगा, करने दो, जो शॉर्टकट लिखे तो वो भी हम लास्ट में लिख देंगे फिर से एक बार। एक्स बी एक्स आई आई एक्स बी वाई आई जे एक्स बी जेड आई के, चलो एक्स खत्म, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, फटाफट समझते चलिएगा, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस AZ BX K cross I plus AZ BY K cross J plus AZ BZ K cross K, okay? Now see that, तीन टर्म फटाफट जीरो कर लेते हम लोग, ये वाला जीरो होगा, ये वाला जीरो होगा और ये वाला जीरो होगा। Did you get this? समझ में आया? जीरो प्लस जीरो प्लस एक्स बी वाई, चलो जी बताओ आई क्रॉस जे के होगा प्लस एक्स बी जेड, देखो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के जे होगा माइनस होगा कि जे होगा, जे होगा ना। चलिए साइकिल बना देते हैं ताकि आप खुद से आंसर दे सके। ये आई कैप है भाई, ये जे कैप है, ये के कैप, हाँ माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस जे कैप। अब देखो अगला ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के कैप होगा प्लस जीरो प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई कैप होगा प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे कैप होगा प्लस एजेड बी वाई के क्रॉस जे माइनस आई कैप होगा। अब देखो सब कोई आई कैप कॉमन ले लो, आई कैप क्या अंदर में ए वाई बी जेड माइनस एजेड बी वाई आया प्लस जे कैप कॉमन ले लो AZBX minus AXBZ, AZBX
माइनस ए एक्स पी जेड प्लस के कैप कॉमन ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब आप लोग कॉपी पे अपना जो क्रॉस प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट मेथड से आप लिखे तो उसको मैच करा लीजिए। देखिए हम फिर से एक बार लिख देते हैं, हम आपको ऐसे नहीं पूरा डेरिवेशन बताए थे, हम बोले थे कि भाई ऐसे कर लेना आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप ए एक्स ए वाई ए जेड ए एक्स ए वाई, यहाँ है बी एक्स बी वाई बी जेड बी एक्स बी वाई। अब देखो क्या ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड यहाँ है? फिर अगला देखो ए जेड बी एक्स माइनस बी जेड ए एक्स है। फिर अगला देखो ए एक्स बी वाई और बी एक्स ए वाई यहाँ है। तो आप बता किसके पास इतना समय है कि सब काम करेगा और सीधा आंसर नहीं लिखेगा? क्या आप समझे? चलो एक पार्ट खत्म। अब उसका हमको ये रिलेशन लाना है, उसका हमको ये रिलेशन लाना है। देखो भाई क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो करना, ओके, यही हम यहां सिखाए। अब यहां से बात ये उठता है कि अगर ए और बी पैरेलल हुआ तो याद रखा जाए कि इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो होना है, और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे कैप ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के कैप एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, इन तीनों को जीरो करना। अब इन तीनों को जीरो करने का मतलब सुनिएगा, इसको भी जीरो करना, इसको भी जीरो करना और इसको भी जीरो करना। सो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो देख भाई ए वाई बी जेड इज इक्वल टू ए जेड बी वाई आया, तो जरा गौर कर ए वाई बाई बी वाई क्या ए जेड बाई बी जेड के बराबर आया? चल अब दूसरा इसको जीरो करते हैं, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड इज इक्वल टू जीरो, ए जेड बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स बी जेड आया। अब ए जेड बाई बी जेड इज इक्वल टू ए एक्स बाई बी एक्स आया। अब तुम ही देखो यार, ए वाई बाई बी वाई ए जेड बाई बी जेड के बराबर और ए जेड बाई बी जेड ए एक्स बाई बी एक्स के बराबर, एक और रिलेशन भी तुम निकाल सकता है। तो क्या इतना ही चीज बहुत नहीं है ये लिखने के लिए कि ए एक्स बाई बी एक्स ए वाई बाई बी वाई और ए जेड बाई बी जेड बराबर होता है? तो क्यों इतना मेहनत करेंगे? यूज दैट, ओके, नोट करो फटाफट। परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट में सॉल्व नहीं होता, परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट है, समझे? आपको याद है ना कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल में अंतर बस ये होगा कि आप एंटी पैरेलल अगर लीजिएगा तो जैसे ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे एंटी पैरेलल में बस होगा क्या, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, माइनस माइनस माइनस, अगर एंटी पैरेलल हुआ तो माइनस लग जाएगा। ओके नीचे लिख लेना ना एक पर, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल देन नेगेटिव साइन, माइनस 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 तीनों में लिख देना। यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट वी कैन फाइंड अ न्यू वेक्टर
इंचेस साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर ऑन टू गिवन वेक्टर्स। अगर कभी ऐसा हो कि हमको ये कहा जाए कि दो वेक्टर हम आपको दे दिए हैं और आप एक नया वेक्टर निकालिए जो दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो, तो आपको सहारा लेना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट का। कारण क्या है, आप ये जानते हैं, लास्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ए पे भी और बी पे भी। आपको याद है लास्ट से पढ़े थे आप, अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो वो ए पे भी परपेंडिकुलर होता है, वो बी पे भी परपेंडिकुलर। तो अगर हम तुमसे ये बोल दे कि मान लो जैसे कि आपको है ना ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो जैसे ही आप ए क्रॉस बी लिखेगा ये एक वेक्टर आएगा, मान लो इसको एक नया नाम दे दो लेट सी, तो सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी। तो सी जो निकालेंगे आप ए क्रॉस बी जो निकालेंगे वो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। बहुत सिंपल, इसमें अगर बहुत सारा चीज ऐड करना है लेकिन हम अभी ऐड नहीं करेंगे, पहले इतना चीज क्लियर कर लेंगे आज। देखो जरा बार से क्वेश्चन है, तुमसे बोला गया फाइंड अ न्यू वेक्टर, फाइंड अ न्यू वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑन थ्री आई कैप टू जे कैप प्लस के कैप एंड टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप। आप एक ऐसा नया वेक्टर निकालिए जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो जैसे ही इस क्वेश्चन को कोई पढ़ा, हम फिर से वही बात बोल रहे हैं, हर क्वेश्चन जब पढ़ेगा तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है। अगर वो कॉन्सेप्ट याद आया, जैसे ही वो देखेगा कि दो वेक्टर पे एक नया वेक्टर परपेंडिकुलर पूछा गया, उसको ये टॉपिक याद आना चाहिए। तो सर आपको सिखाए हैं ऐसा कि भाई अगर आपको इफ अ न्यू वेक्टर इज रिक्वायर्ड विच इज परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी, then find a cross b। हो तो गया, तुम बस a cross b निकाल दो वही इसका आंसर है, तो जब हम इसका a cross b निकालने चले तो मेरे पास मेथड है i cap j cap k cap i cap j cap 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 3 2 1 3 2 1 and my answer is i cap। क्या ये 6 minus 1 मतलब 5 है, plus j cap क्या ये 2 minus 9 minus 7 है, plus k cap क्या ये 3 minus 4 minus 1 है। बोलो बोलो समझा। तो आज के बाद कभी भी अगर ऐसा हो कि हमको एक नया वेक्टर निकालना है जो दो दिए गए वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, देन यूज क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन में तुम क्या क्या सीखा, अगर दो वेक्टर देके कोई तुमसे पैरेललोग्राम का एरिया या ट्रायंगल का एरिया पूछा तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट से बनाएगा। दूसरा, अगर कभी दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल करके कोई न्यूमेरिकल में अननोन पूछा गया है तो भी तुम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेगा। और तीसरा, अगर दो वेक्टर देके एक नया वेक्टर पूछा गया जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो तो भी तुम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेगा। क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात गया? नोट करो फटाफट।
क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए थे, हम लिखते हैं 3i कैप + 4j कैप + 6k कैप, ये वेक्टर ए हाँ, और एक वेक्टर है 6i कैप, 8j कैप और 12k कैप, और एक वेक्टर है -6i कैप -8j कैप -12k कैप। अब तेरा गौर कर, तुम ए वेक्टर और बी वेक्टर को लो, ओके, ए वेक्टर और बी वेक्टर को लो, तुमको दिखेगा ax by bx ay by by az by az, है क्या तीनों में? देख भाई, 3/6 है, 4/8 है, 6/12 है, सब 1/2 1/2 1/2 है। इसका मतलब ए और बी पैरेलल। अब जरा गौर करना, सबको ही लेना, अब ए और सी को जरा गौर करो, ax by cx, एक माइनस वैल्यू आया क्या? ये ay by cy के बराबर है माइनस के, और क्या ये az by cz के बराबर है माइनस के? देखो उस रेशियो में माइनस आ रहा है, 3/-x 4/-8 6/-12, तो याद रखना कि दे आर एंटी पैरेलल, दे विल गेट दिस। बस यही चीज पढ़ा, ठीक है।